हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मोनिका मल्होत्रा, पीजीटी बायोलॉजी, केवी पुष्प विहार, न्यू दिल्ली. आई वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी इन दिस लाइव सेशन ऑन 15th ऑफ अप्रैल 2020. दिस इज द पार्ट टू ऑफ सेकेंड चैप्टर ऑफ योर बायोलॉजी टेक्स्ट बुक, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. I hope all the students are have logged in. Please call all of your friends. I'm just going to recapitulate what I taught yesterday. Yesterday was a part one of the chapter biological classification, in which I taught the concepts of different systems of classifications. कल हमने जिन बच्चों ने कल क्लास अटेंड की थी उनको ये पता होगा कि सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि क्लासिफिकेशन देने वाला सबसे पहला साइंटिस्ट कौन था जिसने साइंटिफिक बेसिस पर क्लासिफिकेशन दी, एरिस्टोटल. फिर से मैं एक बार से रिवाइज करूंगी ये कॉन्सेप्ट उन बच्चों के लिए जिन्होंने कल क्लास अटेंड नहीं की और वो आज से रेगुलर रहेंगे. एरिस्टोटल ने प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को सिंपल मॉर्फोलॉजी के बेस पे क्लासिफाई किया था. जैसा कि कल हमने पढ़ा, प्लांट्स को क्लासिफाई किया था एरिस्टोटल ने तीन ग्रुप्स में, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज. और एनिमल्स को क्लासिफाई किया था दो ग्रुप्स में. दो ग्रुप्स कौन से थे? यस, वो एनिमल्स जिनमें रेड ब्लड पाया जाता है और वो एनिमल्स जिनमें रेड ब्लड नहीं पाया जाता. तो अब आप एरिस्टोटल की बेसिक क्लासिफिकेशन समझ गए. ओके, अब एक स्टूडेंट सुनील दहिया ने पूछा है, व्हाट इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप? ओके, आई एम गोइंग टू आंसर दैट. यस्टरडे आल्सो आई एक्सप्लेन व्हाट इज फाइलोजेनी. फाइलोजेनी मींस द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट. यानी कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स एवोल्यूशन के बेस पे आपस में कितने रिलेटेड हैं. अर्थ पर जब ओरिजिनेट हुए ऑर्गेनिजम्स, तो कॉमन एंसेस्टर से जो जो ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ वो सभी के कैरेक्टर्स अपने एंसेस्टर के जैसे ही थे, उससे काफी सिमिलर थे. यानी कि वो सेम लीनिएज को फॉलो कर रहे हैं, सेम लीनिएज में है वो. तो उनकी फाइलोजेनी क्या है? दे आर रिलेटेड बाय फाइलोजेनी. फाइलोजेनी का मतलब है आपकी कॉमन एंसेस्ट्री. अब आपको समझ में आ गया, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो किसी ऑर्गेनिज्म की होती है वो उसकी फाइलोजेनी कहलाती है. तो जितनी फाइलोजेनी आप कंसिडर करेंगे किसी ऑर्गेनिज्म की, जितना ये कंसिडर करेंगे कि एवोल्यूशन में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स सेम टाइम पे अपीयर हुए, उनके एंसेस्टर्स कॉमन थे, तो आप उनको कॉमन ग्रुप में डाल पाएंगे और उतनी ही आपकी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ज्यादा लॉजिकल होगी. सुनील, आई थिंक योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर नाउ. एनीवन एल्स हु हैज गॉट एनी डाउट अबाउट यस्टरडेज लेक्चर कैन पोस्ट मी अ कमेंट. आई थिंक ऑल द स्टूडेंट्स हैव जॉइंड द सेशन टुडे नाउ एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द सेशन नाउ. वन मोर कॉन्सेप्ट व्हिच आई टॉट यस्टरडे वाज अबाउट द क्लासिफिकेशन गिवन बाय कैरोलस लिनियस. He gave the biological classification. He classified all the known organisms in two groups, plantae and animalia. And after that, the need was felt about more descriptive classification. Itni classification kafi nahi thi, kyunki plantae aur animalia mein Linnaeus ne jo classify kiya, wo bhi unhone simple morphological features ko hi consider kiya. Simple feature, kaun se organism move kar sakte hain, kaun se nahi kar sakte. Jo kar sakte hain, wo animals mein dal diye gaye, jo nahi move kar sakte, wo plants mein dal diye gaye. To ye kafi nahi tha classification ka basis. Isiliye scientists ne aur iske bare mein focus kiya, aise aur basis soche jo zyada logical the aur jispe biological classification zyada justified way mein di ja sakti thi. Then came the five kingdom classification. Okay, so now I am going to start with the five kingdom classification. Five kingdom classification was given by R. H. Whittaker.
So yesterday we were dealing with the same slide. I'm going to revise it because the session got interrupted due to some technical snag yesterday. So I'm going to start with this five kingdom classification today. So five kingdom classification was given by R. H. Whittaker, as we studied yesterday also. This classification was more scientific, more justified, and it is being followed till date. Aaj tak hum isko follow kar rahe hain. ये इस बहुत सारे डिस्क्रिप्टिव फीचर्स पे आधारित थी, जिसमें से कुछ मेजर फीचर्स ये हैं. सबसे पहला सेल स्ट्रक्चर, जो हमने कल डिस्कस किया. सेल स्ट्रक्चर का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म का के अंदर जो सेल पाए जा रहे हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा है. क्या वो सेल प्रोक्रियोटिक नेचर के हैं या फिर यूक्रियोटिक नेचर के हैं. प्रोक्रियोटिक सेल्स, आई टोल्ड यू यस्टरडे, आर दोज विच डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स. इनके अंदर कोई भी ऐसा ऑर्गेनेल नहीं होता जिनमें मेम्ब्रेन हो, जिसके आसपास मेम्ब्रेन हो. ना इसमें न्यूक्लियस है, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ना गॉल्गी बॉडी, और ना ही वो सारे मेजर ऑर्गेनेल्स जो किसी सेल में आपने पढ़े हैं, क्योंकि आपने जो सेल पढ़े हैं वो यूक्रियोटिक सेल नाइन्थ क्लास में पढ़ा है डिटेल में. सो प्रोक्रियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता. न्यूक्लियस के अंदर की जो चीजें हैं, यानी कि मेनली द डीएनए, वो सब साइटोप्लाज्म में ही सस्पेंडेड होते हैं. नाउ द अदर टाइप ऑफ सेल इज यूक्रियोटिक सेल्स. यूक्रियोटिक सेल्स वो होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं. तो कल हमने इसके बारे में बात की थी, उनमें न्यूक्लियस भी होता है, गॉल्गी बॉडी भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, सारे प्रकार के ऑर्गेनेल्स जो मेम्ब्रेन बाउंड है वो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था जिसको इससे पहले के क्लासिफिकेशन सिस्टम्स में मिस कर दिया गया था. आर एच विटेकर का ये जो फर्स्ट बेसिस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. उसने प्रोक्रियोट्स को अलग ग्रुप में डाला, यूक्रियोट्स के लिए अलग ग्रुप्स डिसाइड किए. देन अदर फीचर्स आल्सो ही कंसीडर्ड, दैट वाज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. हाउ द बॉडी इज ऑर्गेनाइज्ड, क्या बॉडी एक सिंगल सेल में ऑर्गेनाइज्ड है, एक ही सेल है जो बॉडी फॉर्म कर रहा है, या एक से ज्यादा सेल्स है. वेदर एन ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेल्युलर और द ऑर्गेनिज्म इज मल्टी सेल्युलर. एंड इफ एवर द ऑर्गेनिज्म इज मल्टी सेल्युलर, वेदर द सेल्स आर organized to form a tissue, whether a tissue is organized to form a organ, organs are forming organ systems or not, ye sari body organization ke under aati hai jisko R. H. Whittaker ne consider kiya classification dene ke liye. The next is mode of nutrition. Mode of nutrition ka matlab hai, R. H. Whittaker ne ye dekha ki kaun se organisms autotrophic hai, they can make their own food, and कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो हिट्रोट्रॉफ्स हैं. हिट्रोट्रॉफ ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे अपने खाने के लिए डिपेंडेंट होते हैं. नाउ नेक्स्ट फीचर वाज मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन का तरीका अलग अलग है, तो उनको अलग अलग ग्रुप्स में डाला. फॉर एग्जाम्पल, बेसिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो जो ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वो बहुत ही प्रिमिटिव नेचर के होते हैं, उनको प्रिमिटिव ग्रुप्स में डाला. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो करते हैं वो एडवांस नेचर के हैं, उनको एडवांस ग्रुप्स में ग्रुप किया गया. देन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, आई जस्ट एक्सप्लेन यू व्हाट इज इट, द रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स व्हिच इज बेस्ड ऑन देयर एवोल्यूशन. किस तरह से वो इवॉल्व हुए हैं अर्थ पे, किस तरह उनका एवोल्यूशन हुआ है, उनका आपस में कितना क्लोज रिलेशन है. जितना क्लोज उनका रिलेशन, उतना ही उनके कॉमन ग्रुप में जाने की संभावना ज्यादा होती है. तो उनको कॉमन ग्रुप में डाल दिया जाता है अगर उनकी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बहुत क्लोज है. सो दीज वर द फीचर्स विच वर कंसिडर्ड बाय विचिकर फॉर गिविंग फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन. अकॉर्डिंग टू दीज ऑल फीचर्स, विचिकर ही ग्रुप्ड ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन फाइव किंगडम्स. नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दीज फाइव किंगडम्स. Yesterday also we mentioned about them. Today I am again explaining about these kingdoms. The primitive kingdom, the first kingdom was Kingdom Monera, then Kingdom Protista, Kingdom Fungi, Kingdom Plantae, and Kingdom Animalia. All the organisms were grouped in these five kingdoms. And the characteristics which were considered for grouping the organisms in these five kingdoms were these all. Which we have just studied. ये सारे characters अभी हमने study किए हैं, अभी मैंने आपको वन बाय वन इस स्लाइड में समझाए हैं, और यही characteristics यहाँ listed हैं. आप देख सकते हैं, सबसे पहला characteristic है cell type. क्या कोई cell, किसी organism का cell procreotic है या eukaryotic है.
तो आप ये देख सकते हैं किंगडम मोनेरा, इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी प्रोकैरियोट्स हैं। तो जितने भी प्रोकैरियोट्स थे और वो एक सेल के बने हुए थे, यूनिसेल्यूलर थे, ऐसे सारे ऑर्गेनिजम्स जो यूनिसेल्यूलर हैं, प्रोकैरियोटिक हैं, उनको मोनेरा ग्रुप में ग्रुप कर दिया गया, मोनेरा किंगडम में उनको ग्रुप किया गया। सो किंगडम मोनेरा कंसिस्ट ऑल द यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स। अब इसी फीचर को मैं आगे अगर एक्सप्लेन करूं तो जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स थे, जितने भी यूकैरियोट्स थे, उन सबको इन चार किंगडम्स में डाला गया, किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो आप देख सकते हैं ये चारों किंगडम्स जो हैं, इनमें सारे ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक नेचर के हैं। देन कम्स द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, सेल वॉल। किंगडम मोनेरा में ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप किया गया जिनकी सेल वॉल नॉन सेल्यूलर थी। नॉन सेल्यूलर सेल वॉल मीन्स द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड्स एंड अमीनो एसिड्स। सो पॉलीसेकेराइड, अमीनो एसिड, ये कॉम्पोजिशन वाली सेल वॉल वाले जितने ऑर्गेनिजम्स थे उन सबको किंगडम मोनेरा में डाला गया। नाउ इन किंगडम प्रोटिस्टा सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स हैव सेल वॉल। द कॉम्पोजिशन एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल वॉल विल डिस्कस व्हेन आई विल एक्सप्लेन यू द किंगडम प्रोटिस्टा। नेक्स्ट किंगडम इज किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सेल वॉल सेल्यूलोज के बिना है। द सेल वॉल इज विदाउट सेल्यूलोज। सेल्यूलोज नहीं है तो क्या है? सेल वॉल किसी और कॉम्पोजिशन की बनी हुई है, मेनली काइटिन की बनी हुई है। तो काइटिनस सेल वॉल इज देयर। देन किंगडम प्लांटी। प्लांट्स के बारे में आप सब जानते हैं, प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है एंड सेल वॉल इज मेड अप ऑफ मेनली सेल्यूलोज। एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स है किसी में भी सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल इज कंप्लीटली एब्सेंट इन किंगडम एनिमेलिया। सो आई होप सेल वॉल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये बहुत ही ईजी है याद रखना, क्योंकि आप सबको अब ये कॉन्सेप्ट पता चल चुका है कि जो भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होगा उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होगी ही नहीं। उसके अंदर कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोट्स में मिसिंग है, एब्सेंट है। इसीलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मोनेरा में होने का सवाल ही नहीं उठता। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन द किंगडम मोनेरा। सो इन मोनेरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। इन प्रोटिस्टा वी नो दैट किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, दीज ऑल फोर किंगडम्स हैव यूकैरियोटिक सेल्स। ये सब यूकैरियोट्स हैं, क्योंकि यूकैरियोट्स हैं इसीलिए इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी, सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होंगे। इसीलिए आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन प्रोटिस्टा, इट इज प्रेजेंट इन फंजाई, प्रेजेंट इन प्लांटी एंड इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एनिमेलिया। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट फीचर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अभी मैंने आपको ये भी सारा एक्सप्लेन कर दिया, आपको मुश्किल नहीं होगा समझने में। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में हम सिर्फ ये देखेंगे कि किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक सेल की बनी हुई है या बहुत सारे सेल्स की बनी हुई है, वेदर द ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर, and if ever it is multicellular, whether cells have been organized to form tissue, organs and organ system or not. So now we'll see it step by step. Body organization in case of kingdom monera, we know monerans, they are prokaryotic unicellular organisms. So ye sare prokaryotes hain aur ek hi cell ke bane hue hain, kyunki ek hi cell ke bane hain isiliye body organization ho gayi cellular, सिंगल सेल के बने हुए हैं। सो ऑल द सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स दे आर ग्रुप्ड इन किंगडम मोनेरा। नाउ वी कम टू प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में भी हमें पता है कि सारे ऑर्गेनिजम्स जो है यूकैरियोट्स हैं, लेकिन वो भी एक ही सेल के बने हुए हैं, उनकी बॉडी भी एक ही सेल की बनी हुई है, इसीलिए वो भी सेल्यूलर नेचर के हैं। मीन्स प्रोटिस्टा कंटेन्स ऑल द यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक organisms. Next we come to kingdom fungi. Fungi से जितने भी आपको kingdoms मिलेंगी, fungi, plantae, animalia, सब multicellular nature की हैं। तो fungi भी multicellular है, tissues बनने शुरू हो गए हैं, लेकिन tissues are loose tissues are there. ठीक है? Next is kingdom plantae. Kingdom plantae, it is also multicellular. Cells have been organized to form tissues, and in some it has been and tissues they have organized to form organs. Now animals. In animals,
we see tissues. Tissues, they have been organized to form organs. Organs have organized to form organ systems. So we can see out of all the five kingdoms, the maximum complexity, the maximum advancement is seen in kingdom Animalia. तो एवोल्यूशन में सबसे बाद में जो इवॉल्व हुए हैं, सबसे सुपीरियर हैं, सबसे कॉम्प्लेक्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो है किंगडम एनिमेलिया. नाउ द फिफ्थ फीचर व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन. किंगडम मोनेरा, इसमें ऑटोट्रॉफ्स भी पाए जाते हैं. ये बहुत डाइवर्सिक है, बहुत डाइवर्सिफाइड है. आप देख सकते हैं ऑटोट्रॉफ्स भी हैं इसमें. ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं विच कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड. अब ऑटोट्रॉफिक होने के लिए या तो उनके अंदर क्लोरोफिल कंटेंट होगा और वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, या फिर वो कीमोसिंथेसिस करेंगे. इन दोनों में से कोई एक तरीके के ही ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं. ईदर एन ऑर्गेनिज्म कैन बी अ फोटोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफ और इट कैन बी कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ. तो दोनों ही तरह के ऑर्गेनिज्म किंगडम मोनेरा में पाए जाते हैं. इनके ये फीचर्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द किंगडम मोनेरा. नाउ दे आर ऑल्सो सैप्रोफिटिक. Heterotroph जो organisms होते हैं इनमें, there is a third mode of nutrition also, heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophs are those organisms which cannot manufacture their own food and they are dependent on other organisms for their food. तो heterotrophs को आगे हम divide कर सकते हैं saprophytes में और parasites. इनके बारे में हम detail में पढ़ेंगे जब मैं आपको अभी heterotrophs पढ़ाऊंगी. Now kingdom protista. Kingdom protista में वो सारे organisms होते हैं जिनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन या तो ऑटोट्रॉफिक है या फिर हेटरोट्रॉफिक है. तो या तो जो किंगडम प्रोटेस्टा के मेंबर्स हैं वो ऑटोट्रॉफ होंगे या फिर हेटरोट्रॉफ होंगे. किंगडम फंजाए. किंगडम फंजाए में दीज आर नॉन ग्रीन ऑर्गेनिजम्स. इनमें क्लोरोफिल कंटेंट बिल्कुल नहीं होता है, इसीलिए ये ऑटोट्रॉफ तो हो ही नहीं सकते. सो दे फॉलो जस्ट वन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. Either they can be saprophytic or they can be parasitic. Now, as these terms are being told again and again, I must give you a brief description. What is a saprophyte? Saprophytic organisms are those which depend on dead decaying organic matter. जो dead matter के ऊपर, dead decaying organic matter के ऊपर feed करते हैं, वहां से अपना nutrition derive करते हैं, वो saprophytes कहलाते हैं. और पैरासाइट्स वो होते हैं जो कि किसी होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए. तो सैप्रोफाइट और पैरासाइट अब आप समझ गए होंगे क्या है. आपने पहले भी क्लासेस में पढ़े हैं, आगे इनको हम फिर से पढ़ेंगे जब हम इन पर्टिकुलर किंगडम्स को डिटेल में स्टडी करेंगे. नाउ किंगडम प्लांटी. किंगडम प्लांटी, वी नो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स दे आर ऑटोट्रॉफ्स. सभी प्लांट्स जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सभी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं. दे आर फोटोसिंथेटिक. देयर आर सम प्लांट्स व्हिच आर इंसेक्टिवोर्स आल्सो. That we'll discuss later. Now, Animalia, kingdom Animalia. All the animals, they are heterotrophic. Unka mode of nutrition heterotrophic hi hota hai, kyunki unke andar chlorophyll content nahi hai, wo apna khana khud nahi bana sakte. So now, I think you have got an overview about kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantin, Animalia. Ab, ye sabhi kingdoms ke baare mein, agar aap yaad rakhna chahte hain, to inka ek ek example aapko zarur pata hona chahiye. किंगडम मोनेरा, आपको ये सारे फीचर्स सभी याद रहेंगे जब आपको ये पता होगा किंगडम मोनेरा में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं. आप एक एक ऑर्गेनिज्म इनका एग्जांपल के तौर पे याद रखें, आपको सारे फीचर्स अपने आप याद हो जाएंगे. किंगडम मोनेरा कंसिस्ट ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया का एग्जाम्पल याद रखिए इसके लिए. किंगडम प्रोटेस्टा में आप एग्जाम्पल याद रखिए यूग्लिना. प्रोटोजोन्स इसके अंडर आते हैं और भी बहुत सारे हैं, हम पढ़ेंगे जब आगे, पर अभी आप एक एग्जाम्पल याद रखेंगे तो आपको काफी हद तक याद रहेगा. किंगडम फंजाए, आप सबको पेनिसिलियम के बारे में पता है, ठीक है, तो उस किंगडम फंजाए में उसको याद रख सकते हैं. प्लांटी, प्लांट्स के बारे में आप सब जानते हैं, जितने प्लांट्स आपके आसपास हैं. किंगडम प्लांटी बहुत डाइवर्सिफाइड किंगडम है, इसमें बहुत सारी चीजें आती है. एल्गी इसके अंदर आती है, ब्रायोफाइट्स आते हैं, टेरेडोफाइट्स आते हैं, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ये सब इसके अंदर आते हैं. इन सबके बारे में आपने ब्रीफली क्लास 9th में पढ़ा है. किंगडम एनिमेलिया. किंगडम एनिमेलिया यू ऑल नो, राइट फ्रॉम द पोरिफेरा टिल कॉर्डेटा, सब एनिमेलिया के अंडर ही काउंट होते हैं. इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे. ओके, अब ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी. अच्छा खासा टू किंगडम क्लासिफिकेशन कैरोलस लिनियस ने दिया था, तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की जरूरत क्या थी. ये सबको आपको पता चल चुका है कि क्या जरूरत थी इसकी, क्योंकि
जो पुराने सिस्टम्स थे क्लासिफिकेशन के, वो बहुत ही गलत बेसिस पर डिजाइन हुए थे। उसमें यूनिसेलर मल्टीसेलर का फर्क नहीं रखा गया, फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक में डिफरेंशिएट नहीं किया गया, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंशिएट नहीं किया गया, और ऑर्गेनिजम्स को एक कॉमन ग्रुप में डाल दिया गया, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो बहुत ही अनरिलेटेड थे। और ये सारी गलतियों को सुधारने की कोशिश की आर एच विटेकर ने इन हिज फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। अब प्रीवियस सिस्टम जो थे क्लासिफिकेशन के, उसमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाए, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, सबको प्लांटी में डाल दिया गया था, सबको प्लांटी एक ही किंगडम में डाल दिया गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन सब में सेल वॉल होती है। ये बहुत ही अजीब सी बात है, क्योंकि इन सभी के सेल वॉल का जो कॉम्पोजिशन है, उसकी नेचर है, वो अलग अलग है। इसीलिए सिर्फ सेल वॉल की प्रेजेंस को लेकर इनको एक ग्रुप में डाल देना बिल्कुल गलत था। आपने ये भी देखा प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स को एक ही ग्रुप में डाल दिया गया था। देखिए अब इसमें ये बैक्टीरिया है जो, और ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये दोनों प्रोकैरियोट्स हैं, जबकि फंजाए, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ये सब यूकैरियोट्स हैं, लेकिन इन सबको ग्रुप कर दिया गया प्लांट्स के अंदर। देन इट वॉज अ फ्लॉ। नाउ क्लैमिडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा, ये दोनों ही ग्रीन एल्गा है, इन दोनों को प्लेस कर दिया गया एल्गी के अंदर। लेकिन अब जो सिस्टम बना है क्लासिफिकेशन का, उसमें हमने सारे यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को किसमें डाल दिया है, प्रोटिस्टा में। इसीलिए क्लैमिडोमोनास ये एक ऐसा ग्रीन एल्गा है जो एक ही सेल का बना हुआ है, इट इज अ यूनिसेल्यूलर ग्रीन एल्गा, सो दिस शुड नॉट बी प्लेस्ड अंडर एल्गी विच कंटेन्स ऑल अदर मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। इसीलिए क्लैमिडोमोनास को एल्गी से हटाकर अब किसमें डाल दिया गया है, प्रोटिस्टा में डाल दिया गया है, ठीक है। एंड स्पाइरोगायरा, आप देखिए ये एक ग्रीन एल्गा है, मल्टी सेल्यूलर है, तो पहले स्पाइरोगायरा और क्लैमिडोमोनास को दोनों को एक ही ग्रुप में डाल दिया गया था, प्लांट्स में ही काउंट कर लिया गया था, जबकि ये गलत था। हेटरोट्रॉफिक ग्रुप्स लाइक फंजाई एंड ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स, दे वर आल्सो ग्रुप्ड अंडर प्लांट्स। फंगस को भी प्लांट्स मान लिया गया था, जो कि ये बहुत गलत है, सिर्फ इसलिए कि फंगस में सेल वॉल होती है और प्लांट्स में भी सेल वॉल होती है, सिर्फ इसी बेस पर इसको हम प्लांट नहीं मान सकते, बिकॉज फंगस इज नॉन ग्रीन, इसमें क्लोरोफिल कंटेंट नहीं है, ये ऑटोट्रॉफिक नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो थी टू किंगडम क्लासिफिकेशन की, इन सबको सॉल्व करने के लिए, एक और जस्टिफाइड सिस्टम लाने के लिए नीड थी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की। नाउ आफ्टर दिस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वी मूव ऑन टू किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा में आप देखिए सेलियंट फीचर्स क्या है, आपको मैंने अब बताया था किंगडम मोनेरा में किसको ग्रुप करते हैं हम, बैक्टीरियास को, सारे यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को हम किंगडम मोनेरा में ग्रुप करते हैं। तो किंगडम मोनेरा में इसके सेलियंट फीचर्स क्या है, सेलियंट फीचर मींस इसके मेन फीचर्स, वो फीचर्स जो इसके ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स पे अप्लाई होते हैं। देखिए बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया के अलावा और कोई भी नहीं है, या तो इसमें ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, या कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, या फिर हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, लेकिन बैक्टीरिया ही है। ऑफ कोर्स साइनोबैक्टीरिया भी है, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया इसी के अंडर आते हैं, इन्हीं तीन ग्रुप्स के अंडर आते हैं। सो मोस्ट अबंडेंट माइक्रोब्स आर अंडर किंगडम मोनेरा, बैक्टीरिया जो है मोस्ट अबंडेंट माइक्रोब्स है, मतलब ये बहुत, ये धरती पे ऑलमोस्ट सब जगह पाए जाते हैं, ये एक्सट्रीम हैबिटेट्स में, एक्सट्रीम कंडीशंस में भी अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में इतने हाई टेम्परेचर को भी सर्वाइव कर सकते हैं, डेजर्ट के इतने हाई टेम्परेचर को और ऑलमोस्ट जीरो मॉइस्चर को भी सर्वाइव कर सकते हैं, स्नो चिल टेम्परेचर को सर्वाइव कर सकते हैं, डीप ओशंस को सर्वाइव कर सकते हैं जहां लाइट की अवेलेबिलिटी नहीं होती, ठीक है, और दे कैन ऑल्सो बी पैरासाइट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। तो आप देख सकते हैं कितने डाइवर्सिफाइड हैं ये, तो यही इनके एग्जिस्टेंस का, इनके इनके सर्वाइवल का एक बहुत बड़ा कारण है कि ये कॉस्मोपॉलिटन है। नाउ दे आर यूनिसेल्यूलर, दे आर प्रोकैरियोटिक, दे हैव नॉन सेल्युलोजिक सेल वॉल, ये सब हम बात कर चुके हैं कि ये एक ही सेल के बने हुए हैं, ये प्रोकैरियोट्स हैं, इनमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है, इसलिए हम बिल्कुल समझ सकते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, और इसकी जो सेल वॉल है वो पॉलीसेक्राइड्स की बनी हुई है और अमीनो एसिड्स की बनी हुई है। इतनी रिजिड सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की कि वो इसको इन एक्सट्रीम कंडीशंस को सर्वाइव करने के लिए हेल्प करती है। नाउ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, अगर ऑटोट्रॉफिक होगा तो या तो फोटोसिंथेटिक होंगे ये,
इनमें क्लोरोफिल कंटेंट होगा तो ही फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, और या वो कीमोसिंथेटिक होंगे, ठीक है। और मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो है वो हिटोट्रॉफ होते हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते और वो बाकी ऑर्गेनिजम्स पे अपने खाने के लिए डिपेंड करते हैं। तो आई थिंक ये सारे फीचर्स हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, अब आपको ये क्लैरिटी हो गई होगी कि इन टर्म्स के मीनिंग्स क्या है। नाउ दिस डायग्राम इज नॉट इन योर टेक्स्ट बुक, बट आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ बैक्टीरिया। नाउ दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अ बैक्टीरियम। द आउटरमोस्ट लेयर यू कैन सी इज अ कैप्स्यूल। Not all bacteria they have capsule. Some are without capsule also. But I am showing you a bacteria with a capsule. तो सबसे बाहर की लेयर एक रिजिड कैप्सूल है जो उनकी प्रोटेक्शन के लिए होता है। उसके अंदर आप ये देख सकते हैं सेल वॉल की लेयर है ये। कैसेट ओपन करके दिखाई गई है आपको, ये सेल वॉल है। सेल वॉल के अंदर जाए तो ये एक मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है। दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये पूरा जो आपको येलोइश फ्लूइड दिख रहा है ये इसका साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर जो ये पर्पलिश कलर का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, पूरा सर्कुलर है, आप देख सकते हैं कहीं से भी इसका एंड खुला हुआ नहीं है, इट्स अ बिग सर्कल। तो ये सर्कुलर स्ट्रक्चर का जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिस इज द जेनेटिक मटेरियल डीएनए, एंड यू कैन ऑल्सो सी इट इज सर्कुलर इन नेचर। ऑफकोर्स ये फोल्डेड फॉर्म में पड़ा है लेकिन इट्स अ कंप्लीट सर्कल। रेड कलर के आपको जो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ये इसके अंदर पाए जाने वाले एकमात्र ऑर्गेनेल है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। कौन से हैं ये ऑर्गेनेल? आपने शायद इनके बारे में पहले भी पढ़ा है। दीज आर राइबोसोम्स, प्रिमिटिव राइबोसोम्स। इनका स्ट्रक्चर 70S टाइप का होता है, ये अभी आपको नहीं मालूम है, आप सेल बायोलॉजी में पढ़ेंगे। ये राइबोसोम्स इनके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। जेनेटिक मटीरियल जिसके अंदर इनकी इंफॉर्मेशन है वो इनका डीएनए है। आप देख सकते हैं डीएनए साइटोप्लाज्म में ओपनली सस्पेंडेड है, क्योंकि इनको कवर करने वाला कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज टोटली एब्सेंट इन इट। नाउ आई थिंक यू नो व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट डजंट हैव एनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हम तीन ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं, आर्किबैक्टीरिया, ट्रू द यू बैक्टीरिया व्हिच आर आल्सो कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया, एंड माइकोप्लाज्मा। दीज थ्री आर द ग्रुप्स इन विच वी कैन क्लासिफाई द बैक्टीरिया। ओके, सो इन दिस फर्स्ट ऑफ ऑल आर्किबैक्टीरिया। नाउ आर्किबैक्टीरिया दे आर, आर्की मीन्स प्रिमिटिव, एंशियंट, तो ये सबसे पुराने टाइप के बैक्टीरिया है। देन यू बैक्टीरिया, दीज आर द ट्रू बैक्टीरिया। Then the mycoplasma. इन तीनों के बारे में अब हम अलग अलग पढ़ेंगे। Now I have tried to summarize the features of archaea and eubacteria in this Venn diagram. आप ये डायग्राम देख सकते हैं। इस डायग्राम में जो यहाँ सेंटर में characteristics दिए गए हैं, ये characteristics क्या है? ये इनके common traits हैं, common features हैं, जो archaea bacteria, eubacteria commonly share करते हैं। जो यहाँ feature मैंने दिखाए हैं ये सभी archaea bacteria के features हैं। यहाँ जो फीचर्स दिख रहे हैं वो सिर्फ यू बैक्टीरिया के फीचर्स हैं। कॉमन फीचर्स पहले डिस्कस कर लें। इनके फीचर्स हैं कि ये प्रोकैरियोटिक नेचर के होते हैं, सबको पता है प्रोकैरियोट्स होते हैं बैक्टीरिया, कोई न्यूक्लियस नहीं होता, अभी तो हमने डायग्राम में भी देख लिया। एक ही सेल के बने हुए हैं, बिल्कुल ठीक बात है। सिर्फ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, अभी दिखाया मैंने आपको ये डायग्राम में। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर देयर, ये आपको पता लग चुका है। ये सारे फीचर्स आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड नाउ। ओके, देन वी कम टू आर्किबैक्टीरिया। आर्किबैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है इनकी, उसमें देयर इज नो पेप्टाइडोग्लाइकैन। ओके, पेप्टाइडोग्लाइकैन की कॉम्पोजिशन इनके अंदर नहीं होता है। ये बहुत एक्सट्रीम एनवायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। दे कैन बी ईदर थर्मोफाइल्स, हेलोफाइल्स और मिथेनोजेंस। इनके बारे में अभी डिटेल में पढ़ेंगे हम, अभी मैं सिर्फ समराइज कर रही हूँ इनको, आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ इनका। यू बैक्टीरिया, इनके अंदर की इनकी जो सेल वॉल है पेप्टाइडोग्लाइकैन की बनी हुई है। दे कैनॉट सर्वाइव इन एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस, एंड द एग्जांपल ऑफ यू बैक्टीरिया आर बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। सो दीज आर द बेसिक फीचर्स। अभी हम इनको एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम माइकोप्लाज्मा को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। माइकोप्लाज्मा क्या होता है? यू नो माइकोप्लाज्मा इज अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। आई हैव शोन यू अ स्ट्रक्चर हियर। आप ये देख सकते हो, इस स्ट्रक्चर में कहीं भी बाहर सेल वॉल नहीं है,
लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन से स्टार्ट हो रहा है. लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन इज लाइक अ इट्स अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली. ठीक है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जैसे कि बैक्टीरिया में एक सेल वॉल भी थी, आप देख सकते हो कि यहाँ कोई सेल वॉल नहीं है, सबसे बाहर इसके पास ये मेम्ब्रेन ही है, ब्लू कलर की दिख रही है आपको. ओके, इस मेम्ब्रेन के अंदर आपको आरएनए दिख रहा है, डीएनए दिख रहा है, इसके अंदर राइबोसोम भी दिख रहे हैं और कुछ प्रोटीन्स भी दिख रहे हैं जो इसके साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड है. तो अब इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम इनके फीचर्स अगर डिस्कस करें तो क्या होंगे, ये सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो पूरे लिविंग वर्ल्ड में पाया जाता है. स्मॉलेस्ट नोन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ. इट कंप्लीटली लैक्स द सेल वॉल, आप देख सकते हो इसकी कोई सेल वॉल नहीं है. इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि इसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए, इट कैन सर्वाइव विदाउट द ऑक्सीजन. एंड ये सभी फीचर्स की वजह से इसका नेचर पैथोजेनिक है, यानी कि ये प्लांट्स और एनिमल्स में कई तरह के डिजीजेस कॉज कर सकता है. इट इज हार्मफुल टू प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो माइकोप्लाज्मा एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है इसमें, ऑक्सीजन के बिना रह सकता है ये, और पैथोजेनिक है. सो दीज आर द फोर मेन फीचर्स ऑफ माइकोप्लाज्मा. दिस इज जनरली आस्क्ड इन द एग्जाम, इट इज इंपॉर्टेंट. सो नेक्स्ट इज अबाउट द टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया. ओके, अगर मैं बैक्टीरिया को उनके शेप के हिसाब से क्लासिफाई करूं, अभी तो हमने बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया था उनके कॉम्पोजिशन, उनकी नेचर के हिसाब से. ओके, अगर हम उनके नेचर के हिसाब से उनको उनके क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम कहेंगे कि बैक्टीरिया आर्किबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया और माइक्रोप्लाज्मा में डिवाइडेड है. लेकिन अगर मैं सारे बैक्टीरिया को उनके शेप के हिसाब से क्लासिफाई करूं तो उनके शेप के हिसाब से क्लासिफाई करने के लिए ये चार क्लासेस आएंगी. कौन कौन से चार शेप्स होती हैं इनकी? या तो बैक्टीरिया रॉड शेप के हो सकते हैं, या वो स्फेरिकल हो, स्पाइरल हो, या वो स्फेरिकल हो सकते हैं, राउंड शेप हो सकते हैं, या वो स्पाइरल हो सकते हैं. आप ये देख सकते हो ये स्पाइरल फॉर्म में है, ठीक है, स्प्रिंग फॉर्म में है, या फिर वो एक कॉमा की शेप में हो सकते हैं. इन सभी शेप्स के हिसाब से इनका नामकरण किया गया है. अगर वो रॉड शेप में है तो इन्हें बैसिलस कहा जाएगा, अगर वो सर्कुलर स्फेरिकल शेप में है तो इन्हें कोकस कहा जाएगा, अगर ये स्पाइरल शेप में है तो इन्हें स्पाइरलम बैक्टीरिया कहा जाएगा, अगर ये कॉमा शेप में है तो इन्हें विब्रियो बैक्टीरिया कहा जाएगा. इनको थोड़ा और डिटेल में देखें इनके एग्जाम्पल्स के साथ. देखिए, सबसे पहले आपको ये बैक्टीरिया दिखाई दे रहे हैं, इसमें ये इनका सिंगल सेल है, पूरी कॉलोनी दिखाई दे रही है बैक्टीरिया की. ये कॉलोनी में एक स्पीयर जो है ये इसका सिंगल सेल है, ये सिंगल बैक्टीरियम है. तो आप देख सकते हो सिंगल बैक्टीरियम जो है किस शेप का है, ये इसकी जनरल शेप क्या है, स्फेरिकल. तो अगर ये सर्कुलर स्फेरिकल शेप में है तो हम क्या बोलेंगे, ये कौन से टाइप का बैक्टीरियम है, कोकस. एग्जाम्पल क्या है इसका, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी. सुना होगा आपने, ये निमोनिया नाम की डिजीज कॉज करता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी. नेक्स्ट हम बैसिलस बैक्टीरिया पे आ जाते हैं, बैसिलस यानी कि रॉड शेप. देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये सिंगल बैक्टीरिया आपको इलोंगेटेड रॉड शेप नजर आ रहा होगा. सो दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज बैसिलस टाइप ऑफ बैक्टीरिया. एंड कॉमन एग्जाम्पल इज सेल्मोनेला टाइफाइड. सेल्मोनेला टाइफाइड टाइफाइड कॉज करता है, टाइफाइड की बीमारी सबने सुनी होगी, ये टाइफाइड कॉज करता है. थर्ड शेप या थर्ड टाइप का जो बैक्टीरिया है शेप के हिसाब से, तो स्पाइरलम कैटेगरी में आता है, स्पाइरलम यानी कि स्पाइरल शेप. देख सकते हैं आप ये स्पाइरल शेप है. सो ट्रेपोनीमा पैलिडम नाम का ये बैक्टीरिया स्पाइरल शेप का है. ये जो बीमारी कॉज करता है ह्यूमन बींग्स में, साइफिलिस नाम की बीमारी है ये, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ट्रेपोनीमा पैलिडम. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पाइरलम बैक्टीरिया. देन द फोर्थ टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज विब्रियो. विब्रियो मीन्स कॉमा शेप्ड. आप ये देख रहे हो ये ऑलमोस्ट कॉमा शेप्ड है, सॉरी दिस इज ऑलमोस्ट कॉमा शेप्ड. तो आप देख सकते हो ये कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, इसका एग्जाम्पल क्या है, विब्रियो कॉलरी. विब्रियो कॉलरी मीन्स, विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया कौन सी बीमारी कॉज करता है आप इससे गेस कर रहे होंगे, कॉलेरा. कॉलेरा बीमारी कॉज करता है विब्रियो कॉलरी. तो नाउ ऑन द बेसिस ऑफ शेप यू हैव अंडरस्टूड देयर फोर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, कोकस, बैसिलस, स्पाइरलम एंड विब्रियो. नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड दिस इज अ गेस वर्क फॉर यू. ऑन द बेसिस ऑफ द शेप्स यू हैव टू identify which bacteria comes under which group. Now, just think about it and guess.
these four slides, these four structures, they are showing either the bacilli bacteria or cocci or spirella or vibrio. Which is which? First of all, this one. Yes. Come up with the answers. Anyone who can guess it? The spiral nature. Spiral nature of bacterium. It means this is? Which is spiral? This or this? Of course, this is spiral. This is called spiralum. Ye spiralum bacteria hai. Iska nature kaisa hai? Iska structure kaisa hai? Ye spherical structure hai. Dekho. Sphere ki form mein hai. Theek hai? Aur ise hum kya bolenge? Ye coccus bacterium hai. Coccus. Ye coccus hai. Ye spiralum hai. Ye kaisa hai? Ye dekhiye. Rod. Rod shape hai ye. ये रॉड शेप है यानी कि बैसिलस, ठीक है, ये बैसिलाई बैक्टीरिया होते हैं और यहाँ आप देख सकते हो ये कॉमा फॉर्म कर रहा है, क्योंकि ये कॉमा फॉर्म कर रहा है तो ये विब्रियो विब्रियो कैटेगरी में आएगा ये, ठीक है, दिस इज विब्रियो बैक्टीरिया. सो ऑन द बेसिस ऑफ द शेप आई थिंक नाउ यू ऑल नो हाउ टू क्लासिफाई द बैक्टीरिया. नाउ वी कम टू द डिटेल ऑफ आर्किबैक्टीरिया. आर्किबैक्टीरिया बहुत ही हार्श हैबिटेट्स में, बहुत ही टफ कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं, यही इनके सर्वाइवल का राज है. इनको हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. पहला हेलोफाइल्स. हेलो हेलोफाइल्स मतलब जो एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं, एक्सट्रीम सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन में सर्वाइव कर सकते हैं. दे कैन लिव इन एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज. हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन हो चाहे मीडियम में, तो भी हेलोफाइल्स वहां सर्वाइव कर सकते हैं. नेक्स्ट इज थर्मोएसिडोफाइल्स. थर्मोएसिडोफाइल्स, थर्मो मतलब टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं. दे कैन सर्वाइव इन हॉट स्प्रिंग्स. थर्ड कैटेगरी इज मिथेनोजन्स. मिथेनो मतलब मीथेन, जन मतलब जनरेट करने वाले, यानी कि ये मीथेन गैस को जनरेट करने वाले बैक्टीरियाज हैं. ये मार्शी एरियाज में रहते हैं, जहां मार्श होती है, दलदली एरिया, मार्शी एरिया. They are also present in the gut of many ruminant animals. Ye ruminants ke gut mein rehte hain. Now what is gut? Gut is alimentary canal. And who are ruminant animals? Cows and buffaloes. The animals who chew the cud. आपको पता है इन animals की विशेषता क्या है? ये फटाफट पहले खाना खाते जाते हैं. आपने देखा होगा कभी गाय भैंस को चरते, घास चरते, पहले वो घास को चरते हैं, बड़ी स्पीड से, वो चबाते भी नहीं है, निगलते जाते हैं और स्टमक में ले जाते हैं. वो उनके स्टमक में चैम्बर्स होते हैं. अब इनकी डिटेल हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ. इनका स्टमक फोर चैम्बर्स का बना होता है, तो ये फर्स्ट चैम्बर में लेते जाते हैं ये खाने को. उसके बाद जब ये पूरा अपना फीड कर लेते हैं तो आराम से बैठते हैं एंड देन द फूड कम्स रिवर्स टू देयर माउथ एंड देन दे च्यू इट अगेन. दैट इज कॉल्ड च्यूइंग द कड. तो जब ये कड को च्यू कर लेते हैं, उसकी एक पेस्ट बना लेते हैं, तो फिर वो उसको स्वेलो डाउन करते हैं ताकि एंजाइम्स उस पे एक्ट करके उसको डाइजेस्ट कर सके. ऐसे एनिमल्स को रूमिनेंट्स कहते हैं. तो ऐसे रूमिनेंट्स की गट में, एलिमेंट्री केनाल में ये मिथेनोजेंस पाए जाते हैं. और जब उनके डंग पे एक्ट करते हैं, डंग क्या होते हैं? एक्सक्रीटा ऑफ द एनिमल्स. जब एक्सक्रीटा पे एक्ट करते हैं ये मिथेनोजेंस, रूमिनेंट्स की डंग पे जब मिथेनोजेंस एक्ट करते हैं तो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं. और आपको पता है मीथेन is an important component of biogas. तो अब आप आर्किबैक्टीरिया के बारे में जान गए. ऐसे बैक्टीरिया जो कि प्रिमिटिव नेचर के हैं, बहुत हार्श हैबिटेट्स में रह सकते हैं. इनमें तीन, ये तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं. हेलोफाइल्स जो कि एक्सट्रीम सॉल्ट एरिया में रह सकते हैं, सॉल्टी एरियाज में जहां सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होता है. थर्मोएसिडोफाइल्स जो कि हॉट स्प्रिंग्स में हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं. मिथेनोजेंस जो कि मार्शी एरियाज में रहते हैं, ये रूमिनेंट एनिमल्स की गट में भी पाए जाते हैं और मीथेन प्रोड्यूस करते हैं उनके एक्सक्रीटा से. तो आर्किबैक्टीरिया का ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है. नेक्स्ट इज द ट्रू बैक्टीरिया. दीज आर द एडवांस्ड फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया. दे आर कॉल्ड यू बैक्टीरिया एंड कॉमनली दे आर कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया. सही मायनों में यही बैक्टीरिया है, ऐसा कहा जाता है. ओके, अब ये क्या क्या इंक्लूड करते हैं? ये इंक्लूड करते हैं साइनोबैक्टीरिया, chemosynthetic autotrophic bacterias and heterotrophic bacterias. ये तीन प्रकार के बैक्टीरिया की कैटेगरीज यू बैक्टीरिया में आती है. ओके, यू बैक्टीरिया की भी रिजिड सेल वॉल होती है, पर ऑफ कोर्स उतनी रिजिड नहीं है जितनी की आर्की बैक्टीरिया की है.
कुछ बैक्टीरिया जो कि मूवमेंट करते हैं, जो मोटाइल हैं, उनमें मूवमेंट के लिए फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है, लेकिन जो मूवमेंट नहीं करते, नॉन मोटाइल है, उनमें ये फ्लैजिलम नहीं होगा. तो फ्लैजिलम इज दैट पार्ट ऑफ द बैक्टीरिया विच हेल्प्स देम टू मूव. अब हम ये तीनों कैटेगरीज को एक एक बार डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम साइनोबैक्टीरिया की बात कर लेते हैं. साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं. तो पहली कैटेगरी मैंने आपको यू बैक्टीरिया की बताई थी, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं. और अगर ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं तो हम आराम से गेस कर सकते हैं कि इनके अंदर क्लोरोफिल जरूर होगा. दे हैव गॉट क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है. दिस इज एन असेंशियल पिगमेंट जिसकी हेल्प से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और ग्रीन प्लांट्स की तरह ही फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड मैन्युफैक्चर करते हैं. साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि सारे बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, तो ऑफकोर्स साइनोबैक्टीरिया भी यूनिसेलुलर है, लेकिन सिंगल सेल में अलग अलग ना रहकर कई बार ये सेल्स आपस में जुड़ जाते हैं और एक कॉलोनी बना लेते हैं, या फिर लंबे लंबे धागों की तरह फिलामेंट्स बना लेते हैं. तो जरूरी नहीं है कि यूनिसेल है तो ये अलग अलग सेल्स की फॉर्म में ही सर्वाइव करेंगे. दे मे जॉइन अप टू फॉर्म लार्ज कॉलोनीज. समटाइम्स दीज कॉलोनीज दे मेक अ बिग ब्लूम इन द वॉटर बॉडी. बहुत ज्यादा फैल जाते हैं ये. ओके, अब ये कहाँ रह सकते हैं? सब जगह रह सकते हैं, हर तरह के पानी में, फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, मेरीन वाटर में भी रह सकते हैं. ठीक है, ओके. देन साइनोबैक्टीरियल कॉलोनीज, दे आर सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीट्स. अभी मैंने आपको बताया कि साइनोबैक्टीरिया जो सिंगल सेल के बने हुए हैं, कई बार ये आपस में एसोसिएट होके लंबी कॉलोनी बना लेते हैं, बहुत बड़ी कॉलोनी बना लेते हैं. और ये कॉलोनी में जितने भी सेल्स हैं, कहीं ये अलग अलग ना हो जाएं, इसीलिए इनको आपस में बांधे रखने के लिए, इनको जॉइंट रखने के लिए एक शीट इनके ऊपर डेवलप हो जाती है, जेल की शीट डेवलप हो जाती है, विच इज कॉल्ड जिलेटिनस शीट. तो ये जिलेटिनस शीट जो है, सारे साइनोबैक्टीरिया के अलग अलग साइनोबैक्टीरिया को आपस में एक कॉलोनी में बाइंड करके रखती है. आप ये देख सकते हो, ये कॉलोनी शो की है मैंने डायग्राम में, देखिए इसमें आप देख सकते हो ये अलग अलग सेल्स जो है साइनोबैक्टीरिया है, एंड दे आर मेकिंग अ ह्यूज कॉलोनी. ओके, नाउ सम ऑफ दीज साइनोबैक्टीरियल सेल्स, सम ऑफ देम, कुछ साइनोबैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ट्रांसफॉर्म होके स्पेशलाइज सेल्स बन जाते हैं. इन स्पेशलाइज सेल्स को बोलते हैं हेटरोसिस्ट. देख सकते हैं आप, ये बहुत ही इलोंगेट हो गया है, बड़ा हो गया है सेल और हेटरोसिस्ट बन गया है. क्या विशेषता है इस हेटरोसिस्ट की, क्या खास काम करता होगा ये? ये हेटरोसिस्ट ऐसे सेल्स हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं. ये नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं और यूजेबल कॉम्पोनेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं. सो दे हेल्प इन फिक्सिंग द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द स्पेशलाइज सेल्स. तो यही वो स्पेशलाइज सेल्स हैं जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं. नाउ साइनोबैक्टीरिया, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर नाउ. फोटोसिंथेटिक है, ऑटोट्रॉफ्स है, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, बहुत हद तक ग्रीन प्लांट्स जैसा ही काम करते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, लेकिन फिर भी कई बार मिलकर कॉलोनी बना लेते हैं. कॉलोनी को आसपास से बाइंड करने के लिए एक जिलेटिनस शीट इसको सराउंड कर लेती है. ओके, नाउ आफ्टर द यू बैक्टीरिया, आफ्टर द साइनोबैक्टीरिया विच इज द फर्स्ट टाइप ऑफ यू बैक्टीरिया, वी मूव ऑन टू द सेकेंड टाइप. सेकेंड टाइप की डिटेल बहुत ज्यादा आपकी बुक में नहीं है, बहुत शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन दिया है. कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया. सो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज, वॉट आर दीज? ये वो यू बैक्टीरिया है जो कि कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, उनको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं और उनको सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे नाइट्रेट्स, नाइट्राइड्स एंड अमोनिया. मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे नाइट्रेट्स, नाइट्राइड्स और अमोनिया का ये ब्रेक डाउन करते हैं और इनसे एनर्जी को डिराइव करते हैं और उस एनर्जी से ही अपने एटीपीज का प्रोडक्शन करते हैं. सो दे कैन ऑक्सीडाइज डिफरेंट इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक नाइट्रेट्स, नाइट्राइड्स एंड अमोनिया, एंड बाय ब्रेकिंग द बॉन्ड, द हाई एनर्जी बॉन्ड्स ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स, दे यूटिलाइज द एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन. और आप सबको पता है कि एटीपी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, ये एनर्जी करेंसी होती है, इसी की फॉर्म में एनर्जी को ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी में स्टोर करते हैं और समय आने पे एटीपी को ब्रेकअप करके यूटिलाइज करते हैं एनर्जी अपने मेटाबॉलिज्म के लिए. ओके, अब ये तो खास बात है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स की, अपना खाना खुद बना रहे हैं लेकिन इनमें क्लोरोफिल नहीं है,
ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ब्रेकअप करते हैं और उनके हाई एनर्जी बॉन्ड को तोड़ के एनर्जी को रिलीज करवाते हैं और उसको अपने मेटाबॉलिज्म के लिए यूटिलाइज करते हैं। ओके, अब इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे एनवायरमेंट में कि ये रिसाइकिल न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करने में हेल्प करते हैं। सो रिसाइकिलिंग का जो पूरा प्रोसेस चलता है हमारे इकोसिस्टम में, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट योगदान ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया का भी है। सो दे रिसाइकिल द न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। अब एग्जांपल क्या है इसका, नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट अमोनिया टू नाइट्रेट्स इन द नाइट्रोजन साइकिल। Now in chapter 12 of your book, you will, class 11th NCERT book, you will study about the nitrogen cycle. Then you will get more information about such nitrifying bacteria. Right now we'll move to the next topic, the heterotrophic bacteria. So now the heterotrophic bacteria, naam se hi aapko samajh mein aa raha hoga, ye wo bacteria hai jo ki apna khana khud nahi bana sakte aur ye dusro pe dependent hote hain apne एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स के लिए। इनको हम डिवाइड कर सकते हैं दो टाइप्स में, सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया एंड पैरासिटिक बैक्टीरिया, सैप्रोफाइट्स एंड पैरासाइट्स। अभी मैंने आपको इनके बारे में ब्रीफली डिस्क्राइब किया था। सैप्रोफाइट्स या सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर रहते हैं। डेड ऑर्गेनिक मैटर को ये यहाँ से अपनी एनर्जी डिराइव करते हैं। सो दे रिलीज एंजाइम्स ऑन द डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड By breaking it down, they derive energy from the dead organic matter. इस तरह अपने metabolism की energy requirement को ये पूरा करते हैं। Parasitic bacteria, ये parasite होते हैं। Parasite आपको पता है वो host के ऊपर dependent होता है, या तो वो host की body के अंदर चले जाते हैं और वहां से nutrition को derive करते हैं, या host की body के ऊपर होते हैं, ऊपर रहते हैं, external parasite होते हैं और वहां से ये nutrition को derive करते हैं। एग्जाम्पल क्या है इनके, सेल्मोनेला टाइफाई, विब्रियो कॉलरी, ये सब पैरासिटिक बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स है। नाउ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है इनकी, अब जब भी आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मतलब नाम से पता चलता है कि उनकी क्या विशेषता है, वो किस तरह हमें हेल्पफुल है, पर ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में हम उनके उनकी जो भी डैमेजेस होते हैं, जो हार्म्स होते हैं, एज वेल एज उनके बेनिफिट्स, हार्म्स और बेनिफिट जो 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 उनसे हमें हो रहे हैं उन सबको हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अंदर काउंट करते हैं। तो जब भी आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस किसी ऑर्गेनिज्म की बताने के लिए आएगी, याद रखिए वहां सिर्फ आपको उसके यूजेस या बेनिफिट्स नहीं देने हैं, वहां आपको उनके हार्म्स भी बताने हैं। जैसे सबसे पहले अगर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आए तो हम ये बताएंगे कि जो बैक्टीरियाज होते हैं ये अबंडेंट है नेचर में, मैंने आपको बताया कि बहुत जगह सब जगह प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए और आपको ये पता है कि दे आर मेनली द डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजिशन के प्रोसेस में सबसे एक्टिव रोल बैक्टीरियाज का ही होता है। नाउ ये कर्ड फॉर्म करते हैं मिल्क से, आपको पता है मिल्क का ये कर्डलिंग करते हैं, आपको पता है सैक्रोमाइसिस सीरेविसी बैक्टीरिया मिल्क से कर्ड बनाते हैं। नाउ कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी है जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन विच वर्क अगेंस्ट द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, द हार्म दे किल द अदर हार्मफुल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन भी बैक्टीरिया से होता है। देन लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। लेग्यूमिनस प्लांट्स वो होते हैं जिनके रूट्स में नोड्यूल्स पाए जाते हैं और वहां कुछ बैक्टीरिया उन नोड्यूल्स के अंदर रहते हैं और नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं, क्योंकि हवा में जो नाइट्रोजन पाई जाती है इसको प्लांट्स यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो नाइट्रोजन को किसी ऐसे कंपोनेंट में, ऐसे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना जरूरी होता है जो प्लांट यूटिलाइज कर सकता है, जैसे नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स। तो इसीलिए लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर जो रूट नोड्यूल्स होते हैं उनमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो एटमोस्फियर से नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट करते हैं, अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, और फर्दर अमोनिया से वो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होती है। ये पूरा का पूरी चीज आप पढ़ेंगे चैप्टर 12 में अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्लास 11th में। ओके, तो इसका मतलब कोई ऐसा एग्जांपल ऐसे बैक्टीरिया का जो लेग्यूमिनस प्लांट्स में पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। आई थिंक नाउ यू कैन रिकॉल, यू हैव रेड अबाउट दिस बैक्टीरिया इन द अर्लियर क्लासेस। नाउ मेनी ऑफ द बैक्टीरिया दे आर पैथोजेंस टू प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस, ये बीमारियां फैलाने का काम करते हैं। कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर, इनमें ये तीन तो एनिमल्स को होने वाली बीमारियां है। सिट्रस कैंकर इज अ डिजीज कॉज्ड इन प्लांट्स,
ये सब बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं। तो अब आप समझ गए होंगे यू बैक्टीरिया जो है वो किस तरह हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। नाउ दिस इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दे फॉलो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देख सकते हैं ये एक बैक्टीरियल सेल है, सेल वॉल है बाहर उसकी, सेल मेम्ब्रेन है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये बाइनरी फिजन से डिवाइड हो रहा है। बाइनरी फिजन यू हैव स्टार्टेड इन क्लास 10th आल्सो। इसमें देखिए न्यूक्लियस पहले इलॉन्गेट हो रहा है, फिर न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद ये देख रहे हैं आप सेल वॉल भी अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो रही है, फाइनली सेल वॉल भी डिवाइड हो गई है और ये दोनों डॉटर सेल सेपरेट हो गए। तो इस तरह बाइनरी फिजन में एक पेरेंट सेल से आप देख रहे हो दो डॉटर सेल्स बन गए हैं। तो मोस्ट फेवर्ड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन। हाँ, कई बार ये अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स भी फॉर्म करते हैं, तो स्पोर फॉर्मेशन भी एक तरीका है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। और कुछ बैक्टीरिया जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी रेयरली अंडरगो करते हैं, जिसमें वो जेनेटिक मटीरियल अपना एक्सचेंज करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड इन सम बैक्टीरिया इज बाय द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन इन विच दे कैन शेयर देयर जेनेटिक मटीरियल। बट दिस इज द डिटेल ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट इन योर सिलेबस। ओके, सो आई थिंक now you are pretty much clear about the bacteria. Now we move on to our assessment section. Now this is the assignment one for you, which consists of the whole portion taught till now in session one as well as session two. तो अब ये एक एक करके हम इन questions को देखेंगे और इसका answer आप मुझे बताएंगे comment करके। I will also help you in answering these questions and you also start thinking about the answers. Okay, question number one is, in which kingdom all the prokaryotic unicellular organisms are grouped according to five kingdom classification system? Five kingdom classification system में सारे prokaryotic unicellular organisms को हमने कौन से kingdom में डाला है? हमने नहीं, आरएच विटेकर ने डाला है। तो कौन से kingdom में डाला है? Yes, all the unicellular prokaryotes. Yes, they are under kingdom Monera. So unicellular prokaryotes are under kingdom Monera. Name the smallest living organism known in the living world. Smallest living organism कौन सा है living world में? हमने उसके बारे में बात की थी। Yes, it is mycoplasma. State its two significant characteristics. क्या है दो significant characters? पहला, उसमें cell wall नहीं होती। They lack cell wall. Number two, they can survive without oxygen. Okay, now we come to question number three. Who proposed the two kingdom classification? किसने दी थी two kingdom classification? Carolus Linnaeus. He proposed the two kingdom classification. चलिए, what were the shortcomings of the two kingdom classification system? क्या shortcomings थी? हमने बहुत बार discuss की। उसकी main shortcomings ये थी that he did not differentiate between unicellular and multicellular organisms. He did not differentiate between prokaryotes and eukaryotes, and he even did not differentiate between photosynthetic and non-photosynthetic organisms, and grouped all of these in common groups. Excuse me. Okay, now question number four. Classify the bacteria on the basis of their shapes. Shapes ke basis pe hum bacteria ko kitne classes mein, kitne groups mein baant sakte hain? Char groups mein baant sakte hain. Kaun kaun se groups hain ye? Yes, coccus, spherical shape होते हैं जिसमें bacteria, bacillus, rod shape, spiral, that is spiralum or the spiral shaped, and lastly vibrio, that is comma shaped. तो ये चारों shapes, चारों bacteria की types हैं according to their shapes. Question number five, what are heterocysts? Heterocysts क्या होती हैं? These are the specialized cells which fix the atmospheric nitrogen found in cyanobacteria. तो ब्लू ग्रीन एल्गी में ऐसे उनकी कॉलोनीज में ऐसे स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो कि नाइट्रोजन को, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स अप कर सकते हैं, ठीक है। और इनके एग्जाम्पल्स क्या है, किसमें पाई जाती है हेट्रोसिस्ट? नोस्टॉक, एनाबेना, ऐसे जितने भी ब्लू ग्रीन एल्गीज हैं उनमें हेट्रोसिस्ट पाए जाते हैं। सो आई होप नाउ यू नो द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। यू कैन study in detail about the concepts till kingdom Monera and then come up with your doubts tomorrow
and comment me the doubts. I hope the topic is quite clear to you. Now that's all for today's session. Now stay healthy and take care of yourself and your family. Thank you.